खबर ग्वालियर से है, जहां लंबा मंथन होने के बाद घोषित महापौर प्रत्याशी सुमन शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। सुमन शर्मा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ नामांकन भरने पहुंची, जिसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के पास ना नेता है ना ही प्रवक्ता है, वो कैसे चुनाव लड़ेंगी। आज हमारी बहन सुमन शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी की एक समर्पित और जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता, जिसको सब समर्पित भाव से काम करते हुए देख रहे हैं, ऐसी समाज से भी, जिनको जब जन भागीदारी समिति का अध्यक्ष बनाया तो कॉलेज का काया पलट कर दिया, ऐसी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। इस कार्यकर्ता पर हमको गर्व है और विकास के मुद्दे पर, जन कल्याण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है।